गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-29 पर नौसड़ स्थित विनायक टाइल्स एवं सैनिटरी वेयर में गुरुवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने COVID-19 वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन की गाइडलाइन का पालन कराते हुए रक्तदान कराया। इस अवसर पर दर्जनों युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान कराने वाली जिला अस्पताल की टीम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नम्रता, काउंसलर गीता यादव, लैब टेक्नीशियन संजय कुमार, लैब अटेंडेंट दयाशंकर तिवारी, PRO राकेश मिश्रा, स्टाफ नर्स योगेश यादव और ड्राइवर घनश्याम पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रक्तदान शिविर के आयोजक नीरज मिश्रा और जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर SK यादव ने कहा, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किए हम लोग और पिछले 3 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। इससे जन कल्याण होता है, जरूरतमंदों को ब्लड मिलता है, बस यही और कोई उद्देश्य नहीं है। कितने लोग रक्तदान कर रहे हैं आज? 14 से 15 लोगों की संख्या है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बारिश के ऊपर निर्भर करेगा। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को संदेश यही देना है कि कोरोना से लड़ना है, और कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके चलते घर में डर के बैठा रहे। कोरोना से बचना है, मास्क पहनिए, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धुलिए, बस यही करते रहिए, और लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। मतलब लोगों से मतलब कि व्यक्तिगत दूरी ना बनाए, बस दूरी बनाए रहें। युवाओं से रक्तदान करने के लिए किस तरह से आप प्रेरित करना चाहेंगे? अपने मित्र लोगों के सहयोग से करते हैं, और हमेशा फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया जाता है कि आप लोग भी आइए और करिए, और संख्या बढ़ती ही जा रही है, और काफ़ी खुशी है कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर SK यादव, लगातार इस हफ्ते लगभग 3 कैंप हमारे रक्तकोष के टीम द्वारा किया गया है। एक जो कैंप है रक्तकोष में किया गया है, 2 कैंप रक्तकोष के बाहर किया गया है, और आज भी 1 कैंप हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ के स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं, COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन कराते हुए। हमारी वैन VCTV वैन, ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन वहाँ जाती है और रक्त का कलेक्शन करके रक्तकोष में लाती है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सामुदायिक अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली और वहाँ के KLT श्री मुंशी लाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार 3 वर्षों से कैंप करा रहे हैं, और वहाँ से रक्त की यूनिटी भी ठीक ठाक मात्रा में आ रही है। कोरोना काल में ये जो लोग लगातार रक्तदान कर रहे हैं, इससे मरीजों को कितनी राहत मिली? इसमें जरूरतमंद मरीजों को बहुत राहत मिल रही है। ज़्यादातर जो मरीज थैलेसीमिया के हैं, गंभीर रोगी हैं, जन सुरक्षा योजना के हैं, कैंसर के हैं, उन मरीजों को ब्लड मुहैया हो रहा है, और मैं उन रक्तदाताओं को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो स्वैच्छिक रूप से आ करके और रक्तदान कर रहे हैं, और इस गंभीर संकट काल में भी मरीजों की सहायता कर रहे हैं।